टिप्स के प्रायोजक हैं एके विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो बात करेंगे हड्डियों के बारे में। हड्डियों का रोग जो है आजकल इतना कॉमन हो चुका है, आम आदमी इससे परेशान है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी हड्डियों का ख्याल रखें और क्या है जिससे हमें पता चलता रहे कि हाँ, हमारी हड्डियों में कमज़ोरी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अपने खास मेहमान डॉक्टर संजीव वर्मा जी का। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ टिप्स में। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, कब से आप ये जो है हड्डियों का रोग जो है देख रहे हैं, तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। देखो, मेरा नाम डॉक्टर संजीव वर्मा है, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 31 साल से मैं ये स्पेशलिटी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम बहुत ही आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट हो गई है और ये अच्छी बात है कि आप इसका जिक्र कर रहे हैं। कोविड के बाद इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है। तो हड्डी की प्रॉब्लम, उम्र के साथ हड्डी और जोड़ों की प्रॉब्लम हम रोज़ ही ज़्यादा संख्या में देखते आ रहे हैं और मेरी ओपीडी प्रैक्टिस में भी काफ़ी तादाद में मरीज आते हैं इन दिक्कतों के साथ। सर हम जानना चाहेंगे कि किन जांचों से पता चल सकता है कि हमारी हड्डियों में कमज़ोरी आ चुकी है। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि ये जो हड्डी और या ऑस्टियोपोरोसिस या वीक बोन्स की जो शिकायत है, ये कुछ उम्र के साथ होती है और कुछ कुदरती बदलाव के साथ होती है और कुछ हमारी खुद के रहन सहन का जो तरीका हमने अपनाया हुआ है, स्पेशली शहरों में, उसके कारण होता है। तो पहले अगर आप जानेंगे इसके बारे में, तभी आप पहचानेंगे कि ये चीज़ क्यों होती है। इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। आप ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में ही जानना चाहते हैं, क्योंकि मेन कारण जो हड्डियों और जोड़ों की दर्दों का है ऑस्टियोपोरोसिस है, और सेकंड कारण है रहन सहन के कारण। तो इसको जानने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है बोन डेंसिटोमेट्री। तो ये एक स्पेशल एक्सरे की तरीके का ही टेस्ट होता है, कुछ ज़्यादा समय नहीं लेता, 5-10 मिनट का टेस्ट है, जिसमें जो हिस्से सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस या वीक हड्डियों का शिकार होते हैं उनका टेस्ट किया जाता है एक्सरे के जरिए। इसकी डेंसिटोमेट्री के अंदर कितने खोखली हो चुके हैं हड्डियां, वो टेस्ट किया जाता है। कमर और कूल्हे, ये दो हिस्से हैं। तो ये इंटरनेशनली दुनिया भर में यही एक माना हुआ टेस्ट है जिसके जरिए हम ऑस्टियोपोरोसिस एस्टैब्लिश करते हैं। सस्पिशन उसका तो रहता है, लेकिन टेस्ट करके पता चलता है कि कितनी वीक हड्डियां हो गई हैं। उसका एक स्कोर आता है उस रिपोर्ट में, जिसका कहते हैं टी स्कोर, जिसका मतलब होता है कि अगर आपकी उम्र का सिमिलर पेशेंट जो हेल्दी होगा उसकी बोन्स कितनी वीक होगी, और आपकी मतलब मेल या फीमेल या आप ही के कलर का अगर एक और पेशेंट होगा, उसका यंग पेशेंट का भी क्या स्कोर होगा, उसको जेड स्कोर। तो टी स्कोर और जेड स्कोर मेजर किया जाता है। अगर वो 2.5 से नीचे होता है रिलेटिव स्कोर, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सर सर्दियों जैसे मौसम में महिलाओं और बुजुर्गों को गठिया जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके बारे में उनका क्या सॉल्यूशन है? देखो, अनफॉर्चुनेटली सर्दी एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारी हड्डियां और मसल्स अकड़ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो ये एक बीमारी नहीं है, ये शरीर का एक रिस्पॉन्स है ठंड से। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि सिर्फ सबको ठंड में नहीं दर्दें होती हैं, जब बुजुर्ग होते हैं या उम्र ज़्यादा होती है या महिलाएं होती हैं, उनमें ठंड के कारण दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। और सब सेकेंड प्रॉब्लम जो होती है कि ठंड में हम बाहर जाना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, धूप नहीं लेते, एक्सरसाइज बंद हो जाती है, और सारा दिन अंदर रह के हमारी जो जोड़ ऑलरेडी या हड्डियाँ ऑलरेडी या उम्र के साथ जो बदलाव ऑलरेडी आ रहे हैं, उसके कारण हमारी शरीर, हमारी कमर, हमारे जोड़, हमारी हड्डियाँ अकड़ने लगती हैं। और ये हमेशा ज़्यादातर रात को ये स्टिफनेस या अकड़ाहट बढ़ती है, सुबह सुबह सबसे ज़्यादा होती है, जिसको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। और दिन में जैसे जैसे हरकत करते हैं, जैसे जैसे एक्टिविटी होती है, ये दर्दें कुछ हद तक कम हो जाती हैं। जो सर्दियों के साथ संबंधित
अकड़ाहट है, ये बीमारी नहीं है लेकिन ये कुछ ठंड से बढ़ जाता है। सर, घुटनों में जो गैप आ जाता है क्या वो गठिया होता है? अगर हाँ तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखो, ये एक चीज़ मैं हमेशा नोट करता हूँ कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको लगता है कि अगर घुटने दर्द कर रहे हैं तो ये एक बीमारी है और ये बीमारी एक गठिया की है। आमतौर पर गठिया, हर जोड़ के दर्द को गठिया कहा जाता है, लेकिन जो गठिया की बीमारी है वो एक अलग बीमारी होती है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। वो जेनेटिक होती है, लो इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड होती है जी। और वो बढ़ती है और वो कभी शरीर से पूरी तरह निकलती नहीं है जी। उसका इलाज भी अलग है जी। लेकिन जो उम्र के साथ जोड़ घिसते हैं, जो ज़्यादा घुटनों में होता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जी। जिसको हिंदी में फिर भी गठिया माना जाता है, लेकिन वो बीमारी नहीं है, वो शारीरिक बदलाव के कारण जो दर्दें उठती हैं। जब कमर में जोड़ घिसते हैं उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, गर्दन के हिस्से को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, निचले हिस्से को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, और जब घुटने घिसते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जी। ये उम्र के साथ बदलाव है, 50 के बाद बढ़ता है, महिलाओं में ये ज़्यादा होता है। तो ये बीमारी नहीं है, ये बदलाव है, और ये अंतर बहुत ज़रूरी है समझना कि उम्र के साथ बदलाव कुदरती है, उसका असर उनमें ज़्यादा होता है जो अपना ध्यान नहीं रखते, जिसका जिक्र मैं अब आगे करूंगा। आइए चलते हैं छोटे से ब्रेक। हेल्थ टिप्स के प्रायोजक हैं एके विजन, वायुदूत टूर एंड ट्रेवल, सतमोला, नेमको टी, स्नेह भरा ममता, मायरा बांग्ला मायर शादी गंधे भरा परोशे अनन्या आमादेर बासते जा। इंडियाज नंबर वन बासमती राइस बिंगासा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब हम जानेंगे सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये महिलाओं को ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है? देखो, महिलाओं में जो शारीरिक बदलाव आते हैं वो आदमियों में नहीं आते। प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, बच्चों को फीड उनको करना पड़ता है, और 50 के बाद जब महीना बंद होता है जिसको मीनोपॉज कहते हैं, ये तीनों चीज़ें शरीर में ये दिक्कतें बढ़ाता है आदमियों के मुकाबले। सेकंड प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जनरली सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि लेडीज़ घर गृहस्थी में ज़्यादा बिजी रहते हैं और उनको बाहर जाना, वॉक करना या एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता या सोच नहीं होती। हड्डियाँ वीक होनी शुरू हो जाती है, विटामिन डी की कमी आ जाती है, अक्सर अपना खाना, अपना खुराक को वो कम इम्पॉर्टेंस देते हैं क्योंकि परिवार पे ज़्यादा, और उसके कारण कैल्शियम की कमी, विटामिन्स की कमी और एक्सरसाइज की कमी, ये तीनों जब साथ में मिलते हैं और जब उम्र बढ़ती है 50 के बाद, तो लेडीज़ में कमर और घुटने और हड्डियों की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और उनको उसका सामना करना पड़ता है। सर, किसी को पता चल गया कि हमारे में हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो फिर उससे कैसे बचा जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए? देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि उम्र के हिसाब से हमारा शरीर में कुछ बदलाव आएंगे। महान से महान खिलाड़ी को भी एक एज के बाद रिटायर होना पड़ता है क्योंकि शरीर में फुर्ती की कमी आती है। तो हमें उसको और फिट रखने के लिए, सो उम्र के हिसाब से ही हम फिट रह सकते हैं, उम्र से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो हमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें कुदरत से जुड़ना है। हम कुदरत से दूर हो गए हैं, तो ऊपर वाले ने कुदरत के जरिए हमें सब कुछ दिया हुआ है सेहतमंद रहने के लिए उम्र के हिसाब से। तो हर लेडी को स्पेशली, और औरतों को मैं ये मानता हूँ कि उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, ताकि अपने को ठीक रखें तो वो परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उसके लिए कुछ समय उनको रोज निकालना पड़ेगा। एक्सरसाइज, 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 दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है इससे बड़ी, और वो भी बाहर कुदरत के साथ मिलके खुले वातावरण में, प्रेफरेबली दिन में, ताकि धूप भी मिले। अगर रोज आधा घंटे की आदत डालें
तो ये सिंगल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी सेहत का ध्यान रखना। उसके बाद ऑफ कोर्स वेट का ध्यान रखना, बीमारियां जैसे शुगर या थायराइड अगर हो गई तो उसके बारे में प्रॉपर इलाज करके कंट्रोल रखना, दूध प्रॉपर पीना और विटामिन डी की कमी के बारे में जानकारी रखना, टेस्ट कराना, और अगर विटामिन डी कम आता है, जो 90% शहरी इंसान में है, तो वो विटामिन डी का प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर के जरिए कराना, ताकि शरीर को प्रॉपर कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक मिलके हड्डियां और वीक ना हो। सर, बात करें पौष्टिक आहार की, तो क्या ऐसा खाना चाहिए कि हमारी हड्डियां मजबूत रहें? देखो, खाना जो ऊपर वाले ने दिया है वो सब पौष्टिक ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हड्डियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम, और कैल्शियम के जो सोर्सेज हैं वो है मिल्क, दूध, पनीर, दही। ये लेडीज़ को स्पेशली, अगेन मैं बार बार ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लेडीज़ को शरीर में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो ये ज़रूर लेना है। फिर विटामिन डी, अब विटामिन डी ज़्यादातर 90% तो धूप से मिलती है, लेकिन कुछ सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, मशरूम है, अगर नॉनवेज खाते हैं तो फिश है, फिश में होता है विटामिन डी, और साथ में एग, अंडे के येलो में, योग में जी। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर भारतीय लोग वेजिटेरियन हैं तो फिश और अंडा नहीं खाते, इसलिए उनको विटामिन डी की कमी होती है। उसके अलावा बाकी विटामिन्स और प्रोटीन्स भी हमारे मसल स्ट्रेंथ की, सिर्फ हड्डियों की हम बात कर रहे हैं, वो अकेला काफ़ी नहीं है। अगर हमारे मसल्स भी वीक होंगे तो हम और कमज़ोर होंगे, गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे, हड्डियों के टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो प्रोटीन्स की मात्रा भी पूरी करनी है, हरी सब्जियाँ खानी है, दालें लेनी है और फ्रूट्स लेना है। मात्रा ठीक रखो लेकिन लेना ज़रूर है। और लेडीज़ की तरफ ये मेरा प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है कि अपने डाइट का प्लीज़ ध्यान रखें, तब आप अपने आप अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। सर, MMPB दर्शकों के लिए हम कुछ खास टिप्स चाहेंगे आपसे। देखो, मेरी प्रैक्टिस में मैं एक चीज़ हमेशा अपने मरीजों को बताता हूँ, स्पेशली लेडीज़ को, अगेन मैं दोहरा रहा हूँ कि अपने लिए अगर आप कुछ समय निकालोगे, इसके लिए गिल्टी नहीं फील करना। घर गृहस्थी परिवार ठीक है, ज़रूरी है, जिम्मेदारी है, लेकिन अपने शरीर और सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। समय निकालो जी। थोड़ा वॉक करो, खुले वातावरण में जाओ जी। नींद पूरी करो। डाइट तो ठीक है, उसके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन निकलो और थोड़ा एक्सरसाइज करो। किस ठीक है, सुबह भी नहीं जा सकते तो शाम को जाओ, लेकिन वॉक करना ज़रूरी है। 50 के बाद कुछ काम कम करो, नीचे बैठना, ज़मीन पे बैठना, ज़्यादा झुकना, और कुछ बढ़ाओ, वॉक और एक्सरसाइज बढ़ाओ। ये मेरा स्पेशल मैसेज है लेडीज़ के लिए, क्योंकि आपकी सेहत पूरे परिवार की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जिन्होंने आपको बताया कि कैसे रखें अपनी हड्डियों का ख्याल। आप देखते रहिए MMPB आवाज़।